निकली, सारी गाड़ियाँ रुकवा दी हमने। लोग भी सुनकर हैरान हो जाओगे और बिल्कुल नहीं, मैच ही नहीं है। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज मैं एक बहुत स्पेशल इंसान के साथ हूँ जो है मेरी सिस्टर इन लॉ, और ये अभी अभी आई हैं स्टूडेंट वीज़ा पर कैनेडा, और आज हम इनको घुमाने जा रहे हैं, इनको अपनी विंटर जैकेट भी लेनी है, और उससे पहले ये आपको रियलिटी चेक बताएंगी कैनेडा का जो इन्होंने 1 वीक में ऑब्जर्व किया है। सो आर यू एक्साइटेड? या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाओगे जो मैंने नोटिस किया। तो ये रियलिटी से आपको फेस कराएंगी इस वीडियो में, और ये कभी बस पे भी नहीं बैठी है, तो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलते हैं इनके साथ और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको रूल्स फॉलो करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि रोड क्रॉस करनी है तो यू हैव टू प्रेस अ बटन। एग्जैक्टली, जो कभी इंडिया में किया नहीं। प्रेस तो बटन क्रॉस तो प्रेस द बटन तो दूर की बात है, भाई गाड़ियां भी रुकवाई हैं। एग्जैक्टली, सारी गाड़ियां रुकवा दी हमने एक रोड क्रॉस करने के लिए। एग्जैक्टली, तो हम पहुंच चुके हैं अपने बस स्टॉप, और मैडम जी को बस स्टॉप बहुत पसंद आया है, तो आप बताएंगे आपको बस स्टॉप क्यों पसंद आया? आप देख सकते हो यहाँ का बस स्टॉप बहुत कवर्ड है, और आई गेस जैसा ये स्नोई वेदर हो रहा है तो इस वेदर में इट्स वेरी सेफ, यहाँ पे बहुत अच्छा है, वार्म है, तो आप इजीली खड़े होकर बस का वेट कर सकते। एग्जैक्टली, गर्मियों में धूप से बच जाएंगे, हाँ, और सर्दियों में स्नो से स्नो। बस की वेट हो रही है, सो बस में चढ़ने के बाद आपको दोबारा आपसे बात करते हैं। ये है बस टिकट्स। ओके फाइन, और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इसको यूज करना है। ओके फाइन। You have to enter it here and they will give you transfer like this, right? Okay. तो ये जो ट्रांसफर है ना, अब ये 90 मिनट्स तक वैलिड है, ऊपर देखो लिखा हुआ है। ओके राइट, तो 90 मिनट्स तक आप पूरे लंदन में उसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आपको अपनी टिकट्स दोबारा यूज नहीं लेनी पड़ेगी, राइट? So that's a good thing. So you like that? Yeah. अब जो नेक्स्ट है हमारा स्टॉप है, अब आपको ये जो रोप है वो पुल करनी है अपने स्टॉप, ताकि वो ड्राइवर वहाँ पर रोक दे। ऐसे भी होता है? हाँ हाँ। सो अब नेक्स्ट स्टॉप है, तो ये हमें पुल करनी है और तेज करनी है, ताकि नोटिफाई और वहाँ पर शो करे स्टॉप रिक्वेस्टेड, देखा वो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। सो ये भी एक नई चीज है, बट हमारे लिए सिर्फ। तो जितने भी पैसेंजर्स है ना, उनका स्टॉप आता जाएगा, वो रोप जो है वो पुल करते रहेंगे, तो वहाँ वो रोक देते हैं, राइट? तो हम मॉल के लिए हम उतर चुके हैं, राइट? तो अंदर बस में, जैसे आपने देखा हम बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक प्लस पॉइंट है यहाँ की बसेस का कि बाहर इतनी ठंड इतनी स्नो है, बट अंदर कुछ फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा हीटेड है और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? तो चलते हैं मॉल के अंदर। सो लेट्स गो। अब हम दोनों मॉल तो आ गए हैं, बट अब इनको भूख लग रही है, तो हमने सोचा पहले हम कुछ खा लेते हैं, तो फिर बाद में इनको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके का हिसाब है। और मज़े की बात यह है कि ये वेजिटेरियन है, तो देखते हैं इनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, और आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि वेज लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो हम पहुँच चुके हैं फूड कोर्ट में, अब मैडम जी को ऑप्शंस दिखाते हैं कि इनके पास है क्या। वैसे तो बहुत ही कम है जो भी आ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत कम है, और जो होंगे वो प्लांट बेस्ड होंगे। सो आपको प्लांट बेस्ड पसंद नहीं है? वो मुझे पसंद नहीं है, और पनीर भी नहीं मिलता यहाँ पर, पनीर के जो ऐसे हम करते हैं ना टिक्की, आलू टिक्की डलवा लेते हैं या पनीर डलवा लेते थे, ऐसा कुछ है नहीं। सो चलते हैं दिखाते हैं इनको, यहाँ से चलें। सो यहाँ की फर्स्ट शॉप दिखाते हैं पहले, तो ये है सुशी, वो आपको खानी नहीं, टिम से ही फिर आप आए, मेरे को तो लगता है एंड में खा सकती हैं, कुछ और तो मिलेगा नहीं। ये आरबीज हैं, बर्गर ही हैं, ठीक है, या तो होगा प्लांट बेस्ड बर्गर। थाई एक्सप्रेस, ऑल वो क्या कहते हैं उसे, नॉन वेजिटेरियन, और उधर भी यही मिस्टर सब पे मिलेगा, बट वही जो टिक्की है ना वो प्लांट बेस्ड होगी।
सो गाइज अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ आने वाली है क्योंकि वेज के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड हैं और है तो प्लांट बेस्ड हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को अच्छे लगते हैं, जैसे कि इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो हम फाइनली सब्वे से खा रहे हैं, हमें एक मिल गई है पैटीज टाइप जो कि टेक्स मैक्स ब्लैक बीन जो कि हम ऐड कर सकते हैं, तो रिव्यूज तो हम खाने के बाद ही देंगे। ऑल सेट, थैंक यू, लेट्स गो। सो अब हमने खा पी भी लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब दिव्या से ये पूछते हैं कि जब से ये आई है 1 वीक जो हनीमून पीरियड होता है हमारे यहाँ पर, वो इनको कैसे लगा। मैं, इन्होंने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग पॉइंट्स बताए और मैं एग्री भी करती हूँ, तो इनसे पूछते हैं कि वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो भी मिलेगा आपको प्लांट बेस्ड ही मिलेगा और बिल्कुल नहीं, मैच ही नहीं है मैच ही नहीं है। और सेकंड चीज़ ये है कि स्नो इतनी ज़्यादा हो रही है, जब से मैं आई हूँ स्नो ही हुई जा रही है यहाँ पे। क्लीनिनेस का जो इतना रोला पाया हुआ था इंडिया में कि वो चीज़ बहुत साफ है, हाँ, तो स्नो की वजह से स्लशी हो जाता है, गंदा हो जाता है, स्लशी हो जाता है और मतलब रोड्स आर नॉट दैट मच क्लीन जितने हमने सोचे थे कि होंगे, ठीक है। वो चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, होती है बट समर में क्लीन भी होती है नो डाउट, बट स्नो की वजह से ना वो गंदा हो जाता है जब स्नो बारिश एक साथ होती है, तो ऐसा है। और थर्ड थिंग, यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है, पता नहीं क्या करते हैं लोग, रात को 7 बजे बंद करके बैठ जाते हैं सब कुछ, सारे स्टोर्स। उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं अंदर बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं खुला होता। क्योंकि दिव्या की लाइफ इंडिया में बहुत हैपनिंग थी, बाहर जाना, कैफे जाना, दोस्तों के साथ घूमना, तो ये थोड़ा सा बोर हो रही है, ये कहती है लाइफ बहुत मोनोटोनस है यहाँ पर, बहुत बोरिंग है यहाँ पर लाइफ, ये इन्होंने ऐसा बोला मुझे। और दिल्ली में रह रही थी मैं, तो ऐसा लग रहा है दिल्ली से यू नो NCR में चली गई हूँ मैं, क्या सब बंद है और शांति। सही बात है, तो ऐसा लग रहा है मुझे। शायद आप एक्सप्लोर करोगे तो शायद आदत हो जाएगी, राइट। हाँ, इसी कारण मैं नेक्स्ट वीक टोरंटो शिफ्ट हो रही हूँ, तो मे बी वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा लगता है। सही बात है, राइट। सो अभी आपने क्या लेना है मॉल से? मुझे जैकेट, मैं तो जैकेट में लेकर आई। मैंने जब मैंने लेनी थी ना, तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, मुझे आइडिया नहीं था भाई, इनके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है विंटर जैकेट को। इनको कलर भी स्पेसिफिक चाहिए, क्यों चाहिए कलर स्पेसिफिक? क्योंकि मेरे बूट्स नेवी ब्लू कलर के हैं, मैच नहीं होगा ना तो मैच नहीं होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे ब्लू चाहिए और लॉन्ग चाहिए और अच्छी जैकेट चाहिए। सो अभी जैकेट लेने जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि अब बहुत अच्छे टाइम पे आप ले रही हैं। अभी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, क्लियरेंस वगैरह चल रही हैं, सो जाते हैं जैकेट वगैरह लेते हैं और इनको घुमाते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम जा रहे हैं हडसन बे जैकेट लेने। में तो कोई भी जैकेट नहीं मिली है, इनको ब्लू कलर की चाहिए, तो हमें ब्लू तो मिली नहीं। सो अब हम चलते हैं एटमॉस्फेयर, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था और बताया था कि यहाँ जैकेट्स बहुत अच्छी है, होपफुली इनको ब्लू जैकेट भी मिल जाए। हम जा रहे हैं एटमॉस्फेयर, क्लियरेंस के साइन देख रही हो दिव्या कितने सारे हैं, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं इनको कौन सी जैकेट पसंद आती है। सो लेट्स गो। प्यार आ गया दिव्या को तो इस पे। ट्राई इट। द प्राइस इज 289 पहले था, 144 यार, बहुत ही सही प्राइस मिल रहा है। कोलंबिया की जैकेट $150 की मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही अच्छा प्राइस हमें मिल गया है। भाई मैं तो फोर्स करने वाली हूँ उसको ये ले ले, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं ज़रूर लेती, अब भी ले लूँगी मैं भी ले लूँगी। तो कलर देखते हैं, अब ये ब्लैक लेती हैं या ब्लू। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम बाइंग समथिंग जो मैं यहाँ पे कनेडियन डॉलर्स में पे करने वाली हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे जब हम बूट्स लेंगे ब्लैक कलर के। ओहो, मैं इस फैशन फ्रीक, तो देखते हैं अब क्या होने वाला है, आप देखते हैं और ये क्या क्या लेंगी। आई थिंक जैकेट अच्छी डील पे मिल गई है हमें, बहुत ही सही डील पे मिल गई है। जिसको भी अगर लेनी है, कोई आ गया है, तो आई थिंक इस मंथ से पहले पहले ले लीजिए, क्योंकि वो क्लियरेंस वाला जो सिस्टम है वो बंद होने वाला है नेक्स्ट मंथ से पहले पहले। तो अब हम दिव्या को लेकर जा रहे हैं अर्बन प्लानेट, क्योंकि यहाँ गर्ल्स का सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव यही मुझे अच्छा लगता है स्टोर, और आपके पास ऑप्शंस भी अच्छे होते हैं
और लड़कियां इतनी ज्यादा बारी कपड़े डालती भी नहीं है, सो लड़कियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सो दिव्या को लेकर चलते हैं अर्बन प्लैनेट और देखते हैं इनको कैसा लगता है। राइट, तो दिव्या मुझे एक बात कह रही है, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा नहीं, इंडिया में एक आप लोग को पता होगा अर्बैनिक ब्रांड है, तो वहाँ से हमें ऐसे कपड़े मिलते हैं। अच्छा। सस्ते और अच्छे। ओके। आप यू नो जितना चाहे पहन सकते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ की सेल चल रही है 241 और ये वीकेंड का है, सो दिव्या को काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टोर, तो बाकी देखते हैं। इतने सस्ते शूज, कितने सस्ते शूज, ये $39 $39 पे भी 50% शूज बहुत सस्ते लगे हैं, और इसको एक कलर बहुत अच्छा लगा है जो कि 50% ऑफ पे है $40 के, सो दिस इज़ द बेस्ट शॉप। राइट, बिल्कुल, आपको प्लीज़ आना चाहिए। हाँ, वो कह रही हैं आपको प्लीज़ आना चाहिए, अभी वो पहले दिन आई है, मुझे तो लगता है रोज़ यहाँ का चक्कर लगने वाला है इसका। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज और हमने खूब इन्जॉय किया, घूमे फिरे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।